बीजेपी के खानपुर में आए इस कार्यालय को संघर्ष कार्यालय के तौर पर भी जाना जाता है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की थी और उसकी शुरुआत के दौर में उनके साथ रहा करते थे यहीं बीजेपी और दफ्तर में बैठने वाले अम्बालाल। अम्बालाल हमारे साथ मौजूद है। अम्बालाल भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में आए उस वक्त का किस तरीके का, क्योंकि आपने तो उनके साथ बहुत ऐसे पल बिताए कि आप दोनों ने एक ही टेबल पे काम किया है। हम बचपन से ही साथ में काम किया है और इतना साथ में काम किया है कि इस तरह ये पार्टी आज से 40 वर्ष पहले यहाँ इस पार्टी कार्यालय में नरेंद्र भाई बैठा करते थे और कार्यकर्ताओं से मिला करते थे और सभी पार्टी की व्यूह रचना, कॉरपोरेशन लड़ना, नगर पालिकाएँ लड़ना, यानी राज्य सरकार की इलेक्शन लड़ना, सारी व्यूह रचना, आडवाणी जी की यात्रा, मुरली मनोहर की यात्रा, सब यहीं से तैयार किया नरेंद्र मोदी का, यहीं से इसी कार्यालय से कार्यक्रम है उनका। अम्बालाल भाई, मुझे याद है जब मैं 2002 में इस कार्यालय में आया करती थी, तब आप जो अखबार में आते थे, छोटे छोटे प्रधानमंत्री के जो आर्टिकल्स थे उसको कलेक्ट किया करते थे। मैं आज भी वही मीडिया का आज भी वही काम करता हूँ बहन जी। इसे ये कार्यालय जो है ना पहले से इतना पॉपुलर हो चुका है आज कि इसमें नरेंद्र मोदी की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आज के वड़ा प्रधान बनने के बाद यहाँ पहली मुलाकात वो आ रहे हैं, इसलिए यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही उमंग है। अम्बालाल भाई ने वो दौर भी देखा है जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बस स्टैंड एसटी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे अपने कजिन के यहाँ। अम्बालाल भाई, ये बताइए कि किस तरीके का उस वक्त का माहौल था, क्या था वो, मतलब प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे, वो किस तरीके का टाइम? उनसे मैं शुरुआत में आपको बताता हूँ कि मैं काकरिया वार्ड का महामंत्री था। उस समय मैं गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पे धरने में बैठा था भावधारे के सामने, इसी वजह से उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे भी साथ में काम बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी आपके साथ काम करने का है। ठीक है, मैंने कहा आप रहते कहाँ हैं, तो बोले यहाँ गुजरात डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट की ऑफिस है, वहाँ पे दूसरे माड़ पे कैंटीन है, उसी कैंटीन में मैं रहता हूँ। तो ठीक है, मैंने किया, हम कल से आपसे मुलाकात किया करेंगे और हमारे साथ काम करने के लिए आप तैयार रहें। तो मैं रोज़ उनकी कैंटीन में जाया करता था और रोज़ चाय पिया करता था। 20-25 दिन तक चाय पीने के बाद उनको मैं मेरे घर पे लेते आया और भारतीय जनसंघ का 25 पैसे का सभ्य बनाकर मैंने काकरिया वार्ड का, मैं महामंत्री था तो उनको मैंने अपना पद उनको दे चुका था। मैं आपने जनसंघ का उनको कार्यकर्ता बनाया था 25 पैसे पे, आपने कितनी यादें जुड़ी हुई है और कैसा लग रहा है कि आज वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। उस समय बहन जी जनसंघ का ऐसा लगता था कि शायद इस देश में कोई उद्धार ही नहीं होगा, लेकिन हमारी जो निष्ठा और काम करने की जो निष्ठा थी आज वो एक रंग ला चुकी है। क्या ये उसके जनसंघ के बाद ये भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से हमारे पार्टी का रंग आ गया। काफ़ी इमोशनल मोमेंट लग रहा है, 300 सीट पे पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बहुत खुशी हो रही है जो आज 350 पे पहुँच चुकी है। इसके लिए मैं खरेखर मैं उनको दिल से अभिनंदन जितना भी दें उतना कम है। और वैसे भी जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के लिए अगर वड़ा प्रधान है, लोगों की चाहना इतनी बड़ी है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। लगता है कि प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री बने हैं और आपके साथ टेबल पर बैठ के काम किया करते थे। उन्होंने जितनी गरीबी से ये धीमे धीमे काम करते हुए आज पार्टी कार्यालय से होते हुए आज देश के वड़ा प्रधान बने हैं, इसलिए वो गरीबों का ज़्यादातर ध्यान रखा करते हैं और आज गरीबों ने ही आज उनको इतने ऊंचे स्थान पर बिठाया है कि उनको शायद नज़ीक में मिलना मुश्किल हो गया है, इसीलिए वो पार्टी कार्यालय की याददाश्त के लिए यहाँ पार्टी कार्यालय पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा और दूसरा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता हूं और आज भी मैं मीडिया संभालता हूं। चलिए अम्बालाल भाई, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है इनके लिए क्योंकि ये वही जगह है जहां पे वो बैठकर प्रधानमंत्री के साथ काम किया करते थे, उनके पास से कई सारी चीज़ें संगठन की वो सीखा करते थे। और साथ ही दिलचस्प बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे तो वही चाय उन्होंने खुद ने पी है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।